नमस्कार देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव मंडराल। और दिल्ली में कई इलाकों में लगातार एनआरसी और सीएए को लेकर हो रहे हंगामों और प्रदर्शन में पुलिस कर्मियों और कई लोगों की मौत हो गई। इस प्रदर्शन में दिल्ली की शांति भंग हो गई है। आम लोग तो डरे हुए और सहमे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ती अशांति से परेशान आरकेपुरम स्थित सेंट थॉमस चर्च के फादर और कई हिंदू मुस्लिम और ईसाई छोटे छोटे बच्चे महिला पुरुष समेत हाथों में कैंडल लेकर 2 किलोमीटर से ज़्यादा शांति कैंडल मार्च निकाली। ये कैंडल मार्च देर रात करीब 8 बजे दिल्ली की हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के साथ दिल्ली में फैल रही अशांति के लिए कैंडल मार्च निकाली गई थी। थिंक लव, थिंक पीस, थिंक हार्मनी। हाथों में कैंडल और जुबान पर शांति। सड़क पर पैदल मार्च कर रहे हैं सभी सैकड़ों लोग। एक समुदाय के नहीं हैं पर इनकी भावना एक है। चर्च के फादर ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई। उन्होंने कहा, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हिंसा से सभी समुदाय के लोग काफ़ी डर रहे हैं। आज हम लोग करीब 800 से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म के लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे महिलाएं पुरुष सभी लोग हंगामे में मारे गए लोगों के आत्मा की शांति समेत अशांति फैलाने वाले लोगों के मन को शांत करने के लिए शांति कैंडल मार्च निकालने हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई है। किसी को भी हिंसा नहीं फैलानी चाहिए और समाज में भाईचारा कायम रखना चाहिए। हम इसलिए जुलूस निकाल रहे हैं कि दिल्ली में शांति फैलाएं, शांति हो जाए। एक धर्म होती है प्यार की धर्म, एक ही भाषा होती है प्यार की भाषा। अगर उसके लिए नुकसान होता है हम होने नहीं देंगे। हम भारतवासी हैं, शांति प्रेमी हैं और शांति के लिए हम हमेशा तैयार होना है। जो भाई बहनों की जो मृत्यु हो चुका है, बड़ी दुख लग रहा है। भारतवासी होते हुए ऐसे हमारा भाई बहन का इसे गड़ी बड़ी दुख क्यों होना है। सारे धर्म अच्छा है, कोई धर्म ऐसे नहीं कि वो हेट्रेड को फैलाता है। सारे धर्म प्यार की बारे में ही बताता है और संदेश देता है। उस प्यार को हम मजबूत रखेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे, शांति हमेशा हर जगह में हो जाए। और कृपया करके हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि शांति के लिए खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए। कभी हम कभी भी बाहर न जाएं, प्यार के बाहर न जाएं। फादर कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या कुछ कहेंगे? हम सब भाई हैं, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो और ईसाई भी हो, हम सब एक है, एक परिवार के हैं, एक पिता परमेश्वर हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। फादर, दिल्ली में हिंसा में 22 से 23 लोगों की मौत हो गई और लोग बेघर हो गए और जिस तरीके से हॉस्पिटल में सारे लोग एडमिट है, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम शांति रखें और प्यार में ही हम रहें। ये जो आप लोगों ने जुलूस निकाला है, करीब कितने लोग शामिल हैं इसमें? ये कम से कम होगा 500-600 हजार लोग की तरफ हो सकता है। करीब यहाँ सर्व धर्म के लोग आए हैं, सिर्फ ईसाई लोग नहीं है, हिंदू भाई बहन भी हैं और मुसलमान भी हैं, सब लोग आए हैं। एक साथ हम जुलूस निकलवा, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों? हम अपनी देशवासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमेशा शांति में रहिए और प्यार को बांटो और कभी भी नफरत को मत फैलाना। हम एक साथ रखेंगे। इस शांति कैंडल मार्च में शामिल प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की महिला सायिका फलक ने कहा कि इस तरह अगर प्रदर्शन कर दिल्ली शहर को नुकसान पहुंचाना और आपस में भाई द्वारा भाई को ही मारना, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हम लोग भारत देश में रहते हैं और यहाँ चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। इस तरह प्रदर्शन कर अपनों को ही नुकसान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। आज के शांति कैंडल मार्च का
मकसद दिल्ली के उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो अपने को भारतवासी ना समझ इस तरह का हंगामा कर दिल्ली समेत पूरे देश की छवि धुमली करना चाहते हैं। ये कहना है कि जो फादर से हम भी सहमत है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान होने के नाते प्लस भारत में हम सभी भारतवासी हैं, तो आपस में हम एक बहुत बड़ा परिवार है। जो ब्रह्म कुमारीज भी बहुत बिलीव करती है कि हम सभी उसकी संतान हैं, तो आपस में हम भाई भाई हो जाते हैं, तो आत्मा के नाते हमारा स्वधर्म ही शांति और प्रेम है, तो उसी को हमें फैलाना है और मजबूत करना है। और जिनके जो हिंसा हो रही है वो हमारे फायदे की नहीं है, नुकसान हमारा आपस में हम खुद ही कर रहे हैं, जबकि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो हमारा भी यही संदेश है कि इस हिंसा से किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, घर उजड़ रहे हैं, परिवार को नुकसान हो रहा है, प्लस समाज में भी बहुत सारी हिंसा जो पैदा हो रही है, नफरत जो हो रही है, उसको प्यार में बदले। इस शांति कैंडल मार्च में शामिल सभी लोग दिल्ली समेत पूरे भारत के सभी लोग आपस में भाई भाई है, किसी को भी हिंसा नहीं फैलानी चाहिए और समाज में भाईचारा का संदेश देना चाहिए। भगवान से हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द हालत शांत हो जाए, क्योंकि लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल देश ऑनलाइन, हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।